इस्लामाबाद तो समझ लेना एक गढ़ बन गया है लॉकडाउन का। किसी की भैंस भी गुम होती है तो वो एहतियात करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच जाता है। लोगों का आमदोरफ्त जो है वो बंद हो जाती है। इन्होंने कंटेनर लगा के सब कुछ बंद किया हुआ था। मरीज़ अस्पताल नहीं पहुंच सकते थे, दुकानें खुली नहीं, और सारी दुनिया में तो ऐसे होता नहीं है। पूरा इस्लामाबाद में से कर्फ्यू लगाया हुआ था कि मतलब हमने किसके साथ मतलब लड़ने हैं। ये जो धरने देते हैं, मामलात करते हैं, उनसे जो नुकसान होता है ये ज्यादा नुकसान। 3-4 दिन हमारा होटल बंद रहा है। महंगाई इतनी हो गई है कि लॉकडाउन की वजह से सब लोग परेशान थे। रास्ते सारे बंद होंगे, बंदा घर से नहीं आ सकेगा। अगर से बंदा निकलता है रास्ते में कंटेनर लगे होते हैं, पुलिस खड़ी होती है, रेंजर्स खड़ी होती हैं, वो शॉप की तरफ आने नहीं देते, तो शॉप खुलेगी कैसे? लॉकडाउन जब ये रास्ते बंद होंगे तो राइड नहीं मिलेगी, राइड नहीं मिलेंगे तो काम नहीं होगा, जब काम नहीं होगा तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी। ये लॉकडाउन की वजह से सारा सिलसिला बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग बहुत तंग हुए हैं, परेशानियाँ ज़्यादा हैं। और ये जो इस्लामाबाद तो समझ लेना एक गढ़ बन गया है लॉकडाउन का, आए दिन लॉकडाउन, आए दिन लॉकडाउन। इस्लामाबाद में जो लॉकडाउन हुए हैं उसकी वजह से दुकानदारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये अक्टूबर तकरीबन जो है ना लॉकडाउन में ही जा रहा है। किसी की भैंस भी गुम होती है तो वो एहतियात करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच जाता है। लॉकडाउन से ये नोयत बन जाते है कि हमारा जो दिन को कमाई है रात को हम खाते। हमारे 2 फैमिली है, 8 मेरे बच्चे हैं। 4 दिन हमारा होटल बंद रहा है, उससे पहले जो एहतियात था 3 दिन उसमें बंद रहा है। मतलब हमारा ये समझ लें कि पूरा 1 महीना जो है ना ये खराब हो गया, क्योंकि खर्चे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। गैस का बिल है, बिजली है, किराया है, तो वो बड़ी मुश्किल हो गई हमारे लिए ये सारा कुछ पूरा करना। इस तरह तो नहीं होते कि रोज़ रास्ते बंद हो जाते हैं, रोज़ लॉकडाउन हो जाते हैं ना, तो कारोबार सारे लोगों का तो किराया है, लाखों रुपए का किराया है लोगों का, वो कहाँ से पूरा हो जाते हैं? अगर वो खर्चे अलग होते हैं ना, किराया अलग होते हैं, बिल अलग होते हैं ना, बिल कहाँ है? तो इन्होंने पूरा इस्लामाबाद में से कर्फ्यू लगाया हुआ था कि मतलब हमने किसके साथ मतलब लड़ने। हमें रोटी भी नहीं मिल रहा था इधर, न कोई, सारे होटल बंद थे, हर चीज़ बंद थी, बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ था। मतलब जिस तरह इधर कोई लड़ाई हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, आप समझ लेंगे अगर 3 दिन का लॉकडाउन था तो हम 1 महीना पीछे चले गए। उसकी वजह सबसे बड़ी वजह है कि हम दिहाड़ीदार लोग हैं, दिहाड़ लगेगी तो हम शाम को हमारा चूल्हा जलेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के जो इवेंट होते हैं उस पर इस तरह का कोई रास्ता निकालें कि इवेंट भी चलते रहें और लोगों की रहल पहल भी चलती रहे। इन्होंने तमाम रास्ते बंद करके लोगों को बिल्कुल घरों तक महदूद करके रख दिया और उससे गरीब तबका जो है वो बिल्कुल पीस के रह गए। खाने पीने के लिए मुश्किलात पेश आई, क्योंकि हर जगह पे जाएं तो मार्केटें बंद होती थी और कई किलोमीटर काफ़ी आगे जा के फिर कहीं से कोई चीज़ मिलती तो वो फिर लाते थे। यकीन मानो बाहर भी नहीं निकल सकते थे। 2-3 दिन हमने ऐसे गुजारे जैसे बंदा जेल में गुजारता है। तो इंतहाई सख्ती के साथ ये दिन हमने काटे और हम गरीब लोग दिहाड़ी लगाते हैं तो हमारे बच्चे खाते हैं, वो 3 दिन हम ऐसे ही कमरे में पड़े रहे भूखे प्यासे। यकीन माने आप, बहुत बुरा हालात था, बहुत ज़्यादा। आए रोज़ जो लॉकडाउन होते हैं इससे कारोबारी पे बड़ा असर पड़ता है, लोगों का नुकसान होता है। लेकिन ये जो अभी कारोबार बंद हुए हैं 2 दिन, ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुल्क में बाहर से मेहमान आ रहे थे, इसलिए ये जो नुकसान हुआ ये तो मुल्क की खातिर हुआ, ये कोई बात नहीं। लेकिन ये जो फजूल में करते हैं, ये जो धरने देते हैं, मामलात करते हैं, उनसे जो नुकसान होता है ये ज़्यादा नुकसान है। ये इतना बड़ा नुकसान नहीं है क्योंकि मेहमान आ रहे थे, उसकी वजह से अगर कोई सिक्योरिटी मामला थे उसकी वजह से हुआ तो ये ठीक है, कोई मसला नहीं है। 2 दिन लोगों ने बर्दाश्त किया करेंगे। हमें बहुत परेशानी थी, हमारा किराया दिन का जो है ना वो डेली का होता है वो भी देना पड़ता है। लॉकडाउन की वजह से सब लोगों का, हर गरीब अमीर बड़े बड़े मिलने वाले जो परेशान हो गए। गरीब बंदा किधर जाए, महंगाई इतनी हो गई है, गरीब बंदा तो तले इस तरह दब गया जिस तरह कचरे च कोई घर की चीज, कोई चीज कचरे दबी तले गल जाती है, बाहर नहीं निकलती। लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, कारोबारी मामला ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि जिसकी वजह से आजकल किराए भी हमारे सर पर बैठे जा रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, रेंट हमारी तरफ ही आ रहा है, बिजली का बिल है उसमें कमी बेशी नहीं हो रही। तो लॉकडाउन की वजह से मुश्किल तो काफ़ी सारी हैं जिन्हें हम फेस कर रहे हैं। अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए। जब रास्ते सारे बंद होंगे, बंदा घर से नहीं आ सकेगा, अगर से बंदा निकलता है रास्ते में कंटेनर लगे होते हैं, पुलिस खड़ी होती है, रेंजर्स खड़ी होती हैं, वो शॉप की तरफ आने नहीं देते, तो शॉप खुलेगी कैसे? कारोबार चलेगा कैसे? रोजगार मिलेगा कैसे? आवाम का क्या ताल्लुक है? आवाम को आपने 2 दिन बंद किया हुआ लॉकडाउन में, लॉकडाउन क्या होता है? आवाम को बेइज्जत करने का, ये तो आवाम को बेइज्जत करने वाली बात है कि आपने अपने शहर को, अपने खुद अपने दहशतगर्द साबित करो कि हमारी कौम दहशतगर्द है।
क्योंकि नहीं, एक मामूल की ज़िंदगी है उसमें आप रुकावट डाल देते हैं। मरीज़ टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच नहीं सकता, रास्ते में दम तोड़ जाता है। कई माएँ रास्ते में बच्चे को जन्म दे देती हैं, रास्ते में ही फौत पा जाती हैं, वो भी टाइम पे वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचती। कॉलेज स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चों की तालीम पे भी हर्ज होता है। लोगों की दिहाड़ी जो लगाने वाले वो मजदूर भी रह जाते हैं, बाकी लोगों ने कारोबार करना होता है वो भी इसमें डिस्टर्ब होता है। हमारी ज़िंदगी में तो ना खलल डाले। जो हमारी तरह मजदूर कार बंद है वो बेचारे, उनकी दिहाड़ी नहीं लगती। ये जो कंटेनर रखते थे सारे रास्ते बंद कर देते हैं, जिससे इंसान की ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। गवर्नमेंट से यही हम इल्तिजा कर सकते हैं कि ये वाला सिस्टम जो है ना, ये बंद कर दें, ताकि हर बंदा जो गरीब बंदा जो अपनी मजदूरी के लिए जाए और मजदूरी करे घर के लिए, अपने बच्चों के लिए राशन वगैरह ले जाए।